हेलो दोस्तों, ई डेरे के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में अलग अलग जगह पर आइसक्रीम या कुल्फी बनाने के कई ट्रेडिशनल मेथड हैं, परंतु इंडस्ट्रियल या कमर्शियल लेवल पर बड़े बड़े डेयरी प्लांट्स में आइसक्रीम बनाने के तरीके लगभग सेम होते हैं। आज के इस वीडियो में ई डेरी आपको इंडस्ट्रियल लेवल पर बड़े बड़े डेयरी प्लांट्स में बनने वाली आइसक्रीम की प्रोसेस और मेथड के बारे में बताएगा। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले हम आइसक्रीम बनाने के मेथड का फ्लो डायग्राम देखते हैं, फिर सभी स्टेप्स को डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, आइसक्रीम का फ्लो डायग्राम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आइसक्रीम बनने में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। फिर मिक्स बनाने से पहले सभी इंग्रेडिएंट्स की स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की जाती है, यानी फॉर्मुलेशन ऑफ मिक्स किया जाता है। फॉर्मुलेशन होने पर आइसक्रीम मिक्स तैयार किया जाता है। फिर पास्चराइजेशन प्रोसेस से आइसक्रीम मिक्स को पास्चराइज करके उसे सभी प्रकार के पैथोजन से फ्री किया जाता है। फिर आइसक्रीम मिक्स की होमोजेनाइजेशन की जाती है ताकि आइसक्रीम मिक्स यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए। फिर इस होमोजेनाइज्ड और पास्चराइज आइसक्रीम मिक्स की कूलिंग की जाती है। कूलिंग के साथ साथ आइसक्रीम मिक्स की एजिंग भी होती है। अब दोस्तों, आइसक्रीम फ्रीजर के माध्यम से आइसक्रीम मिक्स को फ्रीज किया जाता है। इसमें आइसक्रीम मिक्स को -4 से -6 डिग्री तक फ्रीज किया जाता है और इसमें एयर इनकॉर्पोरेट की जाती है। फ्रीजिंग होने के बाद आइसक्रीम को -4 से -6 डिग्री पर पैकेजिंग मटेरियल में डालकर अच्छे से पैक कर दिया जाता है। फिर इस पैक आइसक्रीम को हार्डनिंग रूम में स्टोर कर दिया जाता है। इस हार्डनिंग रूम का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, जो कि लगभग -23 से -29 डिग्री तक होता है। इसमें रखने से आइसक्रीम हार्ड व अच्छी शेप और टेक्सचर को मेंटेन कर लेती है। अब आइसक्रीम मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब हम इन स्टेप्स को डिटेल्स में समझेंगे। पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। दोस्तों, आइसक्रीम इंग्रेडिएंट्स को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, डेयरी इंग्रेडिएंट्स और नॉन डेयरी इंग्रेडिएंट्स। दोस्तों, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डेयरी इंग्रेडिएंट्स में क्रीम, बटर, बटर ऑयल, फैट का सोर्स होते हैं, जबकि स्किम मिल्क पाउडर, कंडेंस मिल्क इत्यादि डेयरी प्रोडक्ट्स एसएनएफ का सोर्स होते हैं। इसके बाद होल मिल्क पाउडर, एवोपरेटेड मिल्क आइसक्रीम में फैट व एसएनएफ दोनों के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, जैसे नॉन डेयरी इन्ग्रीडियंट्स, नाम से पता चल रहा है, जिसमें डेयरी इन्ग्रीडियंट्स नहीं आते, जैसे सुक्रोज, शुगर, स्टेबलाइजर, इमल्सीफायर, कलर और फ्लेवर, फ्रूट्स, नट्स, चॉकलेट पाउडर, ये सब नॉन डेयरी इंग्रेडिएंट्स में आते हैं। ये आइसक्रीम की न्यूट्रिटिव व मार्केट वैल्यू को बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये सभी इंग्रेडिएंट्स फ्रेश व पैथोजन फ्री होने चाहिए। फॉर्मुलेशन ऑफ मिक्स। दोस्तों, इस स्टेप में आइसक्रीम बनाने पर FSSAI स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए कितनी मात्रा में कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज करना होता है, इसके लिए कैलकुलेशन की जाती है। दोस्तों, कैलकुलेशन को दो हिस्सों में बांटा गया है, सिंपल कैलकुलेशन और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। सिंपल कैलकुलेशन से ज़्यादातर प्लेन व सिंपल आइसक्रीम बनाई जाती है, जबकि कंज्यूमर अट्रैक्शन के लिए बनाई जाने वाली आइसक्रीम के लिए कॉम्प्लेक्स मेथड यानी कैलकुलेशन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में पियर्सन स्क्वेयर मेथड, सीरम पॉइंट मेथड व अलजेब्रिक मेथड का यूज़ करके इंग्रेडिएंट्स की मात्रा डिसाइड की जाती है। बड़ी कंपनी में ये मेथड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑपरेट किए जाते हैं, जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके इंग्रेडिएंट्स की मात्रा आइसक्रीम प्रोडक्शन के हिसाब से बता देते हैं। अब देखते हैं स्टेप 3, मेकिंग ऑफ आइसक्रीम मिक्स। दोस्तों, मिक्स बनाने के लिए बैच या कंटिन्यूस दोनों में से किसी भी मेथड का यूज किया जा सकता है। बैच मेथड में एक डबल जैकेटेड वैट यानी कंटेनर का यूज किया जाता है। इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडिंग SMP शुगर को अलग मिक्स किया जाता है, जबकि लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को जैसे मिल्क, बटर इत्यादि को अलग मिक्स किया जाता है। फिर बाद में दोनों को मिक्स किया जाता है। दोस्तों, फ्लेवर व कलर को फ्रीजिंग प्रोसेस के दौरान डाला जाता है। अब है स्टेप 4, पास्चराइजेशन ऑफ मिक्स। दोस्तों, आइसक्रीम मिक्स की पास्चराइजेशन करना बहुत जरूरी होता है। अगर पास्चराइजेशन ठीक से नहीं होती तो आइसक्रीम में पैथोजेंस व बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, जो कंज्यूमर की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो बैच मेथड में पास्चराइजेशन करने के लिए आइसक्रीम मिक्स को 68.5 डिग्री सेल्सियस पर कम से कम
30 मिनट के लिए गर्म करके होल्ड करना होता है, जबकि कंटिन्यूस पास्चराइजेशन में 80 डिग्री सेल्सियस पर केवल 25 सेकंड होल्ड करना होता है। आइसक्रीम को इस टेम्परेचर पर गर्म करके साथ ही ठंडा करना होता है लगभग 5 डिग्री तक। होमोजेनाइजेशन ऑफ मिक्स, दोस्तों कई मेथड में यह स्टेप पास्चराइजेशन से पहले भी किया जाता है, यह उस डेयरी प्लांट की स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है। दोस्तों होमोजेनाइजेशन करने से पहले आइसक्रीम मिक्स को 63 से 65 डिग्री तक गर्म करके उसे होमोजेनाइजर से पास किया जाता है। दोस्तों होमोजेनाइजेशन में यह प्रोसेस दो स्टेज में होती है, पहले स्टेज में प्रेशर 2500 से 3000 PSI व स्टेज टू में प्रेशर 500 PSI मेंटेन किया जाता है। होमोजेनाइजेशन करने से आइसक्रीम मिक्स में फैट व नॉन फैट सब्सटेंस यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं और आइसक्रीम का टेस्ट भी इम्प्रूव हो जाता है। अब देखते हैं 6th स्टेप को, कूलिंग एंड एजिंग ऑफ मिक्स। होमोजेनाइजेशन होने पर आइसक्रीम मिक्स को 0 से 5 डिग्री तक कूल करके एजिंग टैंक में स्टोर कर दिया जाता है। एजिंग टैंक में 5 डिग्री सेल्सियस पर आइसक्रीम मिक्स को लगभग 3 से 5 घंटे तक स्टोर करके रखा जाता है। एजिंग के दौरान आइसक्रीम की व्हिपिंग क्वालिटी, बॉडी एंड टेक्सचर, मेल्टिंग रेजिस्टेंस इम्प्रूव होता है और साथ ही आइसक्रीम फ्रीजिंग के दौरान मैक्सिमम ओवररन देती है। एजिंग के दौरान ही आइसक्रीम मिक्स की सैम्पलिंग कर ली जाती है। अब है 7th स्टेप, फ्रीजिंग ऑफ मिक्स। दोस्तों यह आइसक्रीम बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें एजिंग के बाद आइसक्रीम मिक्स को आइसक्रीम फ्रीजर से पास किया जाता है और आइसक्रीम फ्रीजर आइसक्रीम मिक्स को लगभग -4 से -6 डिग्री तक ठंडा कर देता है। इस टेम्परेचर पर आने से आइसक्रीम मिक्स की कंसिस्टेंसी में चेंज आता है। इस टेम्परेचर पर आइसक्रीम मिक्स ना तो लिक्विड होता है ना ही सॉलिड होता है और साथ ही कलर और फ्लेवर को आइसक्रीम फ्रीजिंग के दौरान ही डाला जाता है और साथ ही आइसक्रीम फ्रीजर आइसक्रीम में एयर डालने का काम भी करता है, जिसे ओवररन कहा जाता है। दोस्तों ओवररन का मतलब है कि आइसक्रीम मिक्स में कितनी हवा डाली जाती है ताकि उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो सके। कई इंडस्ट्री में यह 100% ओवररन होता है, यानी आइसक्रीम मिक्स से आइसक्रीम की वॉल्यूम लगभग डबल हो जाती है। FSSAI स्टैंडर्ड के अनुसार आइसक्रीम का वेट मिनिमम 525 ग्राम पर लीटर होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि 1 लीटर आइसक्रीम में कम से कम 525 ग्राम आइसक्रीम मिक्स होना चाहिए, बाकी हवा यानी ओवररन हो सकता है। और प्रॉपर ओवररन आने के बाद आइसक्रीम को आइसक्रीम पैकेज में पैक कर दिया जाता है। डेयरी इंडस्ट्रीज में अब कई एडवांस आइसक्रीम फ्रीजर आ चुके हैं जो आइसक्रीम फ्रीज करने के साथ साथ पैकेजिंग का काम भी आसानी से कर लेते हैं। अब बात करते हैं 8th स्टेप की, पैकेजिंग ऑफ आइसक्रीम। दोस्तों फ्रीजिंग के साथ साथ ही आइसक्रीम की पैकेजिंग की जाती है। दोस्तों सिंगल सर्व आइसक्रीम के लिए बार, स्टिक, कप्स में डालकर पैक कर दिया जाता है और मल्टीपल सर्व के लिए आइसक्रीम को बल्क में फाइबर बोर्ड कार्टून्स में फिल किया जाता है। पैकेजिंग से पहले ही इन सभी पैकेजिंग मटेरियल को सैनिटाइज व स्टेरिलाइज किया जाता है। पैकेजिंग करने के लिए ऑटोमेटिक मशीन व लेबर का यूज किया जा सकता है। अब है 9th स्टेप, हार्डनिंग एंड स्टोरेज ऑफ आइसक्रीम। दोस्तों इस स्टेप में पैक की हुई आइसक्रीम को वेरी लो टेम्परेचर में हार्डनिंग रूम में स्टोर कर दिया जाता है। इस हार्डनिंग रूम या हार्डनिंग टनल का टेम्परेचर वेरी करता है, लगभग -30 से -40 डिग्री के बीच रहता है। दोस्तों हार्डनिंग रूम्स का फाइनल एम आइसक्रीम को कंज्यूमर तक पहुंचाने से पहले इसका टेम्परेचर 0 डिग्री फारेनहाइट यानी -18 डिग्री तक मेंटेन करके रखना होता है। दोस्तों हार्डनिंग टाइम 10 से 12 घंटे तक का हो सकता है। ज़्यादा हार्डनिंग करने से आइसक्रीम में लार्ज आइस क्रिस्टल बनने का खतरा रहता है। अब है 10th स्टेप, जो कि है लास्ट स्टेप, डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों हार्डनिंग करने के बाद आइसक्रीम की सैम्पलिंग करके उसकी अच्छे से जांच की जाती है, फिर यह आइसक्रीम कंज्यूमर के लिए मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाती है। रिटेलर व छोटे दुकानों में भी छोटे आइसक्रीम फ्रीजर के माध्यम से आइसक्रीम का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। सामान्य फ्रीजर में रखने से आइसक्रीम में लार्ज आइस क्रिस्टल व डिफेक्ट बन सकते हैं, तो छोटे दुकान वाले भी आइसक्रीम को स्पेशल आइसक्रीम फ्रीजर में ही रखते हैं। दोस्तों आइसक्रीम की शेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, लगभग 9 महीने तक की होती है, जिससे इसे रेफ्रिजरेटर या आइसक्रीम फ्रीजर में रखकर
लंबे समय तक चलाया जा सकता है। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक ईडेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से ईडेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच जाए। धन्यवाद।